हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने ज़्यादातर यूट्यूब चैनल में ये बात देखी है कि वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नहीं करवाते, कॉन्सेप्ट करवा देते हैं। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट इस बात पर आ रहे हैं कि सर, कॉन्सेप्ट के साथ में आप जो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं ये बहुत अच्छा है। मैंने हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर कोई भी रूल इस तरीके से बताने के बाद, आपको उसके न्यूमेरिकल ज़रूर बताए हैं। आप वो न्यूमेरिकल कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अप्लाई करने का तरीका सीखिए। आपको और न्यूमेरिकल अगर प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल में, तो आप मुझे अब मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, जिससे मैं उस प्रॉब्लम को, उस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करके आपको बता दूंगा। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ कोलिजन थ्योरी के ऊपर एक न्यूमेरिकल जो कि है 4.9 इन टेक्स्ट। ये सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है आपके बुक में, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। अब इसमें क्या दिया है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 209.5 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर दिया हुआ है और F निकालना है। क्वेश्चन में लिखा होगा थोड़ा सा बड़ा, वो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को स्मॉल F कहा जाता है। अब ये आपको जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको ये दिया हुआ है 209.5 किलो जूल पर मोल। इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए जूल पर मोल में। जो ऐसा नहीं करेगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 81 केल्विन, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, लॉग एफ इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये फॉर्मूला होता है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है और इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं जानते हैं, वो इस वीडियो से पहले वाले वीडियो लेक्चर को एक बार देखें, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, आपको स्मॉल f फाइंड करना है। ये दिया हुआ है, r आपको पता है, t दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, स्मॉल f इज इक्वल टू माइनस 209.5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.303 इंटू r की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू है 581। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और डिवाइड करके फाइनल वैल्यू निकालता हूं। देखिए क्या है, 209.5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 581। ये आया 11124.48। 11124.48। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 209.5 डिवाइडेड बाय 11124.48। ये निकल के आया है 0.011883 इंटू 10 टू द पावर 3। ये दिया हुआ था ना 3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 18 point, इसको आपको और डिजिट लेने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 0.01883 इस तरीके से। क्यों ये मैंने क्यों लिए, क्योंकि आपको एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए आपको डेसिमल के राइट साइड में 4 डिजिट की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 18.8323 ये जो डेसिमल है मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया इस पावर को ख़त्म करने के लिए। ये आ गया क्या है, लॉग एफ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो लिखेंगे टेक एंटी लॉग। जिसको लॉग एंटी लॉग लेना नहीं आता है, मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला है हाउ टू टेक लॉग एंटी लॉग, उसको आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। एंटी लॉग
-18.8323, ठीक है। अब जब आपको नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग लेना हो तो डेसिमल के राइट साइड जो भी लिखा है उसको आप सबसे पहले 1 से माइनस कीजिए, 0.8323, ये जो था उसको 1 से माइनस कीजिए, क्या आएगा 7761, ये आया, ठीक है। अब आप लिखेंगे एंटी लॉग 0.1677 और जो 1 होगा वो इस 18 में ऐड कर दीजिए। ये नेगेटिव को बार वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका है। जब बार वैल्यू में आप कन्वर्ट कर देंगे तब आप एंटी लॉग की टेबल का यूज़ करेंगे। फिर से सुन लीजिए, डेसिमल के राइट साइड जो भी है उसको 1 से माइनस कर दिया, जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए और डेसिमल के साइड जो भी वैल्यू है उसमें हमेशा 1 ऐड कीजिए जब भी नेगेटिव का एंटी लॉग देखना हो। तो ये क्या हो जाएगा 19 और ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको एंटी लॉग की टेबल यूज़ करनी है। देखिए क्या है, आपको देखना होगा 0.16 के 7 पर और अगला डिजिट जो 7 है उस पर मीन डिफरेंस। आपको जो एंटी लॉग की टेबल है उसमें 0.16 सर्च करना है। मुझे ये मिल गया 0.16। आपको हॉरिजॉन्टली जाना है और 7 के नीचे वैल्यू देखनी है। तो देखते हैं 0.16 के 7 पर वैल्यू क्या है। 0.16 के 7 पर वैल्यू है 1469, 1469 ये है। अब 7 पर ही आपको मीन डिफरेंस भी देखना है, तो इसी के और हॉरिजॉन्टली जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, 0.16 के 7 पर है 2, इसमें ऐड कर दीजिए। जो आप मीन डिफरेंस की वैल्यू देखते हैं वो जो 4 डिजिट वैल्यू होती है उसमें प्लस कर दी जाती है, तो क्या हो जाएगा ये 741। यहाँ लिखेंगे 1471, डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद आ जाएगा, इनटू 10^-19। जो भी आपने एंटी लॉक की टेबल में देखा है उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, इनटू 10^-19 कहाँ से आया ये देखिए, ये जो 19 बार है वो नेगेटिव पावर ऑफ 10 के फॉर्म में आ जाता है और यही है आपकी स्मॉल एफ की वैल्यू, ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, एक तो ये चीज़ कि एंटी लॉक कैसे देखते हैं, दूसरी चीज़ इसके ऊपर जो स्मॉल एफ की वैल्यू है वो क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल एंड ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको एंटी लॉग लेना नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप एंटी लॉग लेने पर ध्यान दीजिए, यू लॉग और एंटी लॉग की टेबल ऑलरेडी आपके प्री बोर्ड और बोर्ड्स में मिलती है, इसीलिए आप उसको सीख लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट जो बीच में रह गया है वो है फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन, उसका कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर न्यूमेरिकल सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।